जिंदगी में मेरा पहला चांस है कि मेरे को ये वाली भाई ध्यान ना, इससे ज्यादा बुरा भी हो क्या सकता है यार। ये ट्रक क्या कर रहा है देखो। वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। स्टार्ट होके दो बार बंद हो गया, ऑटो स्टार्ट पे लगा हुआ है। और ये देखो सामने ये स्नो ने क्या किया हुआ है। क्या चल क्या रहा है भाई। सत श्री अकाल एवरीबडी, की हाल चाल। चढ़दी कला ही होनी चाहिए। मैंने सोचा चढ़दी कला का नाम लेते हैं, थोड़ी सी वाइब जो है पॉजिटिव वाली आएगी। लारम ने जब जगाया ना भाई, उठने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, उठना तो पड़ेगा ही भाई। उठेंगे, जाके लोड उठाएंगे, तभी तो वापस विनीपैक को जाएंगे भाई। अभी रास्ता लंबा है भाई। शायद यवा कह दिया कि बाहर स्नो वाला माहौल है, कंबल उठाओ सो जाओ। दिल बोलता है कि भाई लोड उठाओ और धीरे धीरे विनीपैक की तरफ बढ़ो। अरमान सिंह वेट कर रहा है घर में। कभी कभी ना ट्रकों को बीमारी पड़ती है। वो देखो रेड वाला फिर से बाहर आया हुआ है, स्क्रीन के ऊपर निशान आए हुए हैं। अभी इसको मैनुअली स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो ये खराब करेगा। चलो हो गया काम, चलो स्टार्टर का काम हो गया भाई। गया स्टार्टर काम से। ओए 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 खरगोश खरगोश खरगोश। इसका स्टार्टर जो होता है ना सेल्फ, वो अभी टेक 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 कर रहा है। एरिया में जब होता था ना तो कभी कभी बोलते कि भाई इसका सेल्फ अटक गया है, तो उसको कई बार पेज कास्ट से उसको गेड़ा देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे मेरे को लगता नहीं कि ऐसा होगा। मैकेनिक को कॉल लगाइए, देखते हैं क्या बोलता है। सेल्फ दबाया, पर्दे लगा के अंदर वाली हीट थोड़ी सी काम कर रही है। ये देखो मैंने छोड़ी हुई है अंदर वाली हीट। अभी आधा घंटा एक घंटे तक आराम से निकल जाएगा। टेम्परेचर है -25 के पास में। जब तक कोई सर्विस कॉल आएगी या कोई डिसीजन आएगा तब तक अपने को मालूम पड़ जाएगा। पर जल नहीं होना है, कोई चक्कर नहीं। ठंड में ऐसा हो गया, कंपनी वाले कुछ ना कुछ सर्विस कॉल भेजेंगे। अगर नहीं भी आती बाई चांस, आपका ट्रक ज़्यादा ठंडा होना शुरू हो गया, तो यहाँ पास में कोई होटल है, होटल लेके होटल में चले जाएंगे। देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में टो वाला या सर्विस कॉल जल्दी आएगी, आई थिंक सो। भाई यहाँ लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड वाला मेरा ट्रक का ब्लैक दे नाल। हाँ, 4655। हाँ सर्विस आ गई भाई। ये बहुत बड़ी बात होती है यार, बंदा आते ही मेरे को बोला कि आप मेरी कार में बैठो, वहाँ पे हीट चल रही है, अगर आपके ट्रक में हीट नहीं है। ये उसने उठा दिया भाई बोनट। मैंने उसको बोला, मैं बोला यार बैटरी डाउन नहीं है, अगर बैटरी डाउन होती ना तो इसकी हरकतें अलग होती। ऑटो स्टार्ट पे लगा हुआ, मेरे सामने दो बार स्टार्ट भी हुआ है। मेरे ख्याल में जहाँ स्टार्टर चेंज होगा या स्टार्टर स्टक हो गया, लेकिन इसको बोलेंगे भाई भी एक बार चलता कर दे, फिर बाद में देखते हैं क्या बोलता है भाई। को एक और चीज़ आपको बता दूं, जो बंक वाली हीट होती है ना हमारे ट्रकों में, उसके लिए बैटरियाँ अलग होती है। उसकी स्टार्टिंग वाली बैटरियों से कोई लेना देना नहीं होता। वो बंक वाली 4 बैटरियाँ अलग होती है और स्टार्टिंग वाली 4 बैटरियाँ अलग होती है। इसलिए बंक वाली हीट जो है -25 तक -20 तक काम करेगी, लेकिन वो भी 8 घंटे तक 9 घंटे तक, उसके बाद में काम नहीं करेगी। देखते हैं, अगर स्टार्टर भी चेंज करना पड़ा तो मेरे ख्याल में यहाँ पे लेके आके स्टार्टर चेंज हो जाएगा, तो ये भी आसानी हो जाएगी मेरे को ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। भाई ने बूस्ट लगाया हुआ, भाई देखते हैं क्या बनता है। ठंड बढ़ रही है। अरे भाई को बोला ट्रक स्टार्ट कर दो, तुम्हारी मशहूरी कर देंगे। सारे भाइयों को बता दें कि भाई है कैलगरी में, अगर आपको 24/7 कभी जरूरत पड़ती है तो भाई को कॉल कर सकते हो, लेकिन पहले ट्रक स्टार्ट होने दो। टांगे फ्रीज हो रही है मेरी भाई। मेरा ट्रक तो अभी हो गया ठंडा भाई, ट्राई कर रहे हैं भाई, दिखाना ये चला के। नहीं बनती बात, नहीं बनती यार। अभी क्या लगता है भाई, स्टार्टर चेंज करना पड़ेगा? हाँ जी, स्टार्टर चेंज करना पड़ेगा इसका। स्टार्टर के लिए तो भाई दुकानें लेट खुलेंगी, ना टंकी पूरी होगी यहाँ पे ट्रक की। मैं तो वापस भाई की गाड़ी में आके बैठ गया भाई। यहाँ पे हीट चल रही है अभी मेरे वाले ट्रक में, मालूम नहीं आगे बंक हीट चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया ट्रक बंद हुए के और -25 डिग्री टेम्परेचर है यार। तो मैं जब थोड़ा सा गर्म हो जाता हूँ ना, फिर वापस बाहर जाता हूँ, बाहर जाके बाइक के पास में खड़ा हूँ, वो भी जब ठंडा हो जाता है फिर अंदर आके बैठता है, और बाहर पूरा फ्रीजिंग है भाई। लगता है कि भाई कहीं जाएगा,
तो फिर मेरे को कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो बाइक के साथ में ही जाऊँगा तो जहाँ फिर ट्रक में तो अभी बैठा नहीं जाएगा, या फिर अंदर प्लाजे के जाके अंदर बैठूंगा वहाँ रेस्टोरेंट में। चढ़ती कला में रहो, जो होना है वो हो गया, इसमें भी शायद अपना कोई भला ही हो रहा है। अंदर जाएंगे, कपड़े और पहन लेंगे, ग्लव्स मैंने पहने हुए, मफलर अपने पास में है, किट सारी रखी होती है हम लोगों ने। जिंदगी में ट्रकिंग कर रहे हो ना तो हमेशा ये चीज़ों का मैं आपको बोलता रहता हूँ, आज हमारे साथ में वो चीज़ें प्रैक्टिकल हो रही हैं। अभी आपको मालूम पड़ेगा कि जब ट्रक ठंडा हो जाता है तो फिर क्या होता है। जो भी आपका इंपोर्टेड सामान है, जो आपको फ्रीज हो सकता है, जैसे मेरे पास कैमरे हैं तो मैंने अपने कैमरों वाली किट निकाल के यहाँ से ले जानी है, फोन अपना साथ में रखना है, बैटरियां बंद कर देनी है क्योंकि बैटरियां सबकी फ्रीज हो जाएंगी, कोई भी बैटरी बचेगी नहीं ट्रक में। अभी वो भाई स्टार्टर खोल रहा है, खोलने के बाद में 2 घंटे उसको खोलने में लगेंगे, 1-2 घंटे, उसके बाद में स्टार्टर नया लेके आएंगे, उसको डालने में 1-1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, आपको याद होगा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि नीचे से डालने वाली तंबी साथ में रखो। जब से मैंने ट्रकिंग शुरू की है ना, ज़िंदगी में मेरा पहला चांस है कि मेरे को ये वाली तंबी डालनी पड़ रही है। अभी इसके ऊपर से ये गर्म पजामा, सही है, गर्मी हो जाए सर्दी इसको नहीं भूलना भाई। ट्रक की जो बंक कीट है वो भी ठंडी होगी अभी, ये मेरी जो कैब है ना उससे भी गर्म है। ये तो हमारा हर साल का साथी है बेचारा, पूरी किट मैंने रेडी कर ली वो बाइक की वैन में, कपड़े मैंने इसलिए डाले कभी भी जरूरत पड़ सकती है बाहर अंदर निकलने की, जैसे मैंने कभी बाहर निकलना कभी अंदर जाना है। कैलगरी की बिजी जिंदगी में भाई स्टार्टर लेने के लिए जा रहे हैं, ट्रक वाला काम खत्म हो गया अभी, जब तक ट्रक का इंजन स्टार्ट नहीं होगा ट्रक में बैठना भाई इम्पॉसिबल थिंग है। अभी हर साल बोलता होता हूँ कि जब भी ट्रक बंद हो जाए ऐसा करो ऐसा करो, आज मेरे साथ ही कांड हो गया। देखो अभी ऐसा ही करो जैसा मैं कर रहा हूँ, कपड़े वपड़े मोटे मोटे डाल के जो भी हैं, जो भी भाई आता है मैकेनिक उसके साथ में बैठो रिक्वेस्ट वगैरह करके, अगर वो मानता है तो मर्जी तो उसकी है ना भाई, कार तो उसकी है भाई। नया स्टार्टर पीछे रख दी, कितने रखना पीछे रख लो। हाँ जी नया स्टार्टर भाई $350 भाई, 350 के आसपास है। 7 बजे एजेंसी खुल जाती है जहाँ से मिलता है, रेड रनर कंपनी का ट्रक है उसी की एजेंसी से, अपना विन नंबर बताना पड़ता है ट्रक का, फिर उसी मॉडल का स्टार्टर मिलता है अपने को। अभी चाय पकड़ेंगे और जाएंगे और पाजी दिखाएगा अपना कमाल। यहाँ पे ना वो कहावत सच हो जाती है, बंदा रात को सोचता बड़ी बड़ी डीलें करके सोच के सो जाता है कि हाँ सुबह ये कर देना है, सुबह वो वाली जगह खरीद लेनी है, सुबह उसको मार देना है, लेकिन जब सुबह उठ के बंदे की आँख खुलती है ना, ऊपर वाले ने डिसाइड किया होता है कि इसके साथ में कैसा चलना है आज का दिन। कोई रोड नहीं है नीचे, कैलगरी पूरा स्लिपरी हुआ पड़ा है। देखो एक लाल गन पई है बाहर ही बड़ी कसर वाली। कौन बोलता है भाई कि मैकेनिक की जॉब जो है आसान है, भाई बताना यार आसान है कि खराब है? बहुत खराब है। बहुत खराब है भाई, ऐसे ही लगता है कि काम कोई आसान होता है, काम कोई आसान नहीं है भाई। स्टार्टर अपना खोल दिया भाई ने वो देखो, लेकिन यार हर एक बंदे को हैट्स ऑफ है भाई जो इस ठंड में काम कर रहा है, चाहे कोई ड्राइवर है और चाहे कोई मैकेनिक है। गर्म होने के लिए अंदर आ जाता है फिर बाहर चला जाता है। ट्रेलर के ऊपर स्नो देखो, मैं तो अभी फिर वैन में बैठने वाला हूँ, मेरे हाथ ठंडे हो गए बाहर। ये पुराने वाला है भाई, मैंने आपको क्या बोला था कि स्टार्टर गया हुआ है। पाजी बोलते हैं कि उसके 3 दंदे खराब हो चुके हैं आगे वाले, इसलिए वो घूम नहीं रहा था। अपने को भी इस लाइन में धक्के खाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो हालात और लक्षण मालूम पड़ जाते हैं। बाकी ये भी अच्छा हो गया कि शहर के अंदर खड़े देखते हैं कितना टाइम लगता है, पाजी बंदा फ्री हो जाता है बाहर 10-15 मिनट के बाद में। हार्ड जॉब है भाई, रेड रनर के नीचे जाना सबसे मुश्किल काम है। ये भाई देखो कैसे मुश्किल से अंदर जाता है फिर बहुत मुश्किल से बाहर आया, इसलिए मैं इसको स्पेशल शूट कर रहा हूँ इस चीज़ को। ये भी एक अपने आप में चुनौती होती है, ऊपर से -25 टेम्परेचर है और उसके नीचे अपना मुंह माँ बचा के सब नीचे देखो, वो देखो भाई ध्यान ना। बंदे बोल देते हैं जल्दी से, मेरे जैसा बंदा कोई भी ऐसे बोल देगा भाई तुमको बहुत पैसे भर रहे हैं, सर्विस कॉलें उठा रहा है दिन रात। अभी भाई आया 5 मिनट यहाँ पे गर्म हो गया, मैंने हालात देखी भाई, मैं अभी लगातार 20 मिनट बाहर रहा हूँ, -25 है, सारे कपड़े मैंने आपको मालूम है डले हुए, फिर भी हालात बुरी हो गई, मेरे पैर नीचे से फ्रीज होने शुरू हो गए। हर एक बंदे का एक वीक पॉइंट होता है, मेरा सबसे वीक पॉइंट है मेरे सबसे पहले पैरों की उंगलियाँ फ्रीज होनी शुरू होती हैं। मैं बताऊँगा आपको कितने पैसे भाई लेता है, लेकिन फिर भी पैसों के ऊपर मत जाना,
उसकी मेहनत के ऊपर जाना भाई। अभी मेरे को बोल रहा था, बोला मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं स्टार्टर बाहर बदलूं, लेकिन मैंने हाँ कर दी, तो अभी करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये वाली जॉब उठाता नहीं इतनी ठंड में। बाबा जी करो कृपा, बहुत हो गया बाबा जी, बख्श दो बख्श लो। अगर आपका ट्रक स्टार्ट हो भी गया है तो भी जब तक मेरे पैर फ्रीज हुए पड़े भाई नीचे से, और पैर कभी भी सीधे हीट के नीचे नहीं करने, अभी हीट तो आएगी भी नहीं लेकिन हीट के नीचे करने भी नहीं है। कभी भी अपने हाथ ग्लव से निकाल के जल्दी जल्दी ब्लोर के आगे नहीं करने, गर्म के हवा भी लीक है। एक पंगा नहीं है, अकेले नहीं है भाई, सताए हुए हैं। सही बात, धन्यवाद भाजी। यार ये बंदे की मेहनत देखने वाली है यार, -25 में नीचे आधा पौना घंटा लगातार नीचे, मैं हैरान हो गया। ये भाई कैलगरी में, और इनके मैं वैन की भी फोटो लेता हूँ, और ये 24/7 सर्विस देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये रेड सील है और इनको हर एक तरीके का काम आता है। वर्क किसी विद वॉल्वो एंड फ्रेट लाइनर डीलर, फ्रेट लाइनर वॉल्वो के साथ में काम किया हुआ बंदा है, तो यार अगर किसी को जरूरत है तो बाकी प्राइस तो रीजनेबल है ही है। चलो ठीक है भाजी, थैंक यू भाजी, थैंक यू, टेक केयर, ड्राइव सेफ। ओके जी, रब रखा। अरे भाई अभी टायर मत जाम करना मेरे भाई, अभी ट्रक गर्म नहीं हुआ, ठंडा पड़ा हुआ देखो। गलती की, सॉक्स से डाल लेनी चाहिए थी, अभी ट्रक ठंडा पड़ा हुआ है। ये उन्होंने छोटी सी एक पर्ची निकाल के दे दी है भाई, अगर हम हिसाब लगाएं इंडिया के $1 के 60 बनते, तो 60 के हिसाब से भाई ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपया इंडिया का लग गया सेल्फ डालने में। हैरान हो रहे हो ना, यहाँ पे भाई रिपेयर बहुत महंगी है। जो सेल्फ आया वो आया $350 का, इंडिया के 25,000-30,000 का, लेकिन उसकी लेबर कितनी लग गई, $75,000 इंडिया का, $1,600 के पास में रिपेयर हो गई। अभी मैं जैसे कंपनी ड्राइवर हूँ तो ये मेरी जेब से नहीं जाएंगे, कंपनी पे करेगी, लेकिन अभी मेरे को मालूम नहीं कंपनी को आगे से ट्रक गारंटी में है, मिलता है नहीं मिलता, वो बड़ी बड़ी बातें। लेकिन अगर आप कंपनी ड्राइवर हो तो आपके नहीं लगेंगे, उसको ट्रक से नीचे से निकलने में और ट्रक के नीचे जाने में पता कितना टाइम लगता था, 5-7 मिनट। तो बार बार उसको सामान की जरूरत पड़ रही थी, तो मैंने उसको बोला भाई मैं तेरे को सामान देता हूँ भाई, और मैं उसको बाहर से सामान दे रहा था, तभी मेरी पैर की उंगलियां फ्रीज होनी शुरू हो गई। मैं अभी थोड़ा सा ट्रक और मैं गर्म होता हूँ, फिर जाके अभी पाइक बनानी है भाई। शुक्र है बाबा जी, जैसा भी आप कर रहे हो सही कर रहे हो। अगर ये आपने रात को ऐसे तारे खुली छोड़ी हुई है तो नीचे से एक बार हवा छोड़ के स्नो सारी बाहर निकाल लो। ये आ गया अपना बी बॉक्स, थैंक यू भाजी। इतनी ठंड में कोई बंदा पानी भी पूछता है ना, उसको भी दूर से थैंक यू कर दो। अरे मुकिया नहीं भाई, आज टायर जाम नहीं है, आज एयर बैग वाला जो वाला है ना वो स्लो काम कर रहा है। पिछले 10 मिनट से मैं विंडशील्ड वाइपर डाल के ना टायर को आगे पीछे कर रहा हूँ, एयर बैग ही नहीं उठ रहा है। एयर बैग वाला वेल्व होता है ना विंडशील्ड वाला डब्बे को, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, तो वो थोड़ी गर्माश में आएगा तो जल्दी हवा भर जाएगी। नीचे वाले सारे कपड़े उतार दिए। नहीं नहीं भाई, जो आप समझ रहे वो नहीं, बस जो नीचे वाली गर्म वाली स्लैक्स डाली हुई थी ना वो उतार दिए। ये वाला इंटरसेक्शन के ऊपर ना थोड़ी सी चढ़ाई आती है, अभी इसके नखरे देखना बाइक के, देखो नखरे बस कर भाई, बहुत नखरे हो गए आज तेरे नखरों ने कर दिया है परेशान। ओ भाई रुक जा, आगे लाइट बंद हो गई भाई, लाइट बंद हो गई, पूरा कैलगरी स्लिपरी हुआ पड़ा है, पूरा कैलगरी बुरा हाल है कैलगरी का। आराम से एक्सीलेटर दो, आराम से, अगर आपने जोर से एक्सीलेटर दबा दिया बाइक नहीं चलेगी, चक्के ही घूमेंगे आपके। कोई नहीं आ रहा, किसी ने नहीं देखा, दिमाग खराब हो गया भाई वाइपर का। मेरे आगे सारी स्नो जो है ना इकट्ठी कर दीजिए, देखो मेरे को आगे दिखाई नहीं दे रहा, वो वाला कितना साफ है भाई, मेरे को ये साफ चाहिए, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये धुआं सा क्या है, ये भाई स्नो है। जो भी बंदा यहाँ से जाएगा अगर आपके आगे आ रही है तो एक्सीलेटर से पैर उठा के उसको दूर जाने दो अपने से।
ਖੱਬੇ ਡਰੈਚ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਯਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਯਹੀਂ ਪਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਪਿੱਕਾ ਹੈ ਬਾਈ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੋ ਕੋ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਸਪੀਡ ਦੇਖੋ ਇਸਕੀ ਓ ਸ਼ਿਟ 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 ਦੇਖਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੜਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਲੂਮ ਥਾ ਯੇ ਐਸਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਸੇ ਪੈਰ ਉਠਾਇਆ ਹੁਆ ਥਾ ਜਾਣਾ ਕਹਾਂ ਪੇ ਇਸਨੇ ਯੇ ਬਰੂਕਸ ਟਾਊਨ ਆਏਗਾ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇ ਵਹਾਂ ਇਸਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਬਕਾ ਬੌਸ ਆ ਗਿਆ ਸਬਕਾ ਬੌਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਰਾਸਤਾ ਦੋ ਬਾਈ ਰਾਸਤਾ ਦੋ ਰਾਸਤਾ ਦੋ ਰਾਸਤਾ ਦੋ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਸੁਣਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੈ वैसे नंगे हाथ लेके ना ऐसे लाइटें साफ करनी नहीं चाहिए ये मेरी गलती है क्योंकि मैं ग्लव्स डाल के नहीं आया इससे ज्यादा बुरा भी हो क्या सकता है यार आगे रोड बंद है हवा से लेवल देखो यहाँ तीन दिन से फंसे हुए एक दिन और सही अपने को सही पार्किंग मिल गई ये स्केल है स्केल के साथ में मजे से कंबल ओढ़ो सो जाओ कल की कल देखेंगे आज का दिन पहले ही बहुत हैवी जा चुका है ग्लैड हैंड उतार के रबड़ देखने की कोशिश की लेकिन रबड़ का इस टाइम पे हाल ऐसा हुआ जैसे जैसे ठंड में कोई डेड बॉडी पड़ी हो अकड़ जाती है ना ऐसे ही वो अकड़ी हुई है भाई तो मैं बस क्या करूंगा अभी थोड़ी टाइम के बाद में टेलर आगे पीछे करके देखूंगा और मूव करके अच्छे तरीके से एक बार फिर से फिर खड़ा करूंगा तो फिर की फिर देखी जाएगी फिर सुबह घुस जाएंगे भाई नीचे हमारा तो काम ही है अगर मैं शहर से बाहर आ जाता तो भाई बाहर आके अगर 200-300 किलोमीटर आगे आ जाता तो कितनी खजल खराबी होनी थी कौन वहाँ पे आता फिर पुलिस कॉल करते हैं कि भाई मेरी हीट नहीं चल रही बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम चलनी थी वो शुक्र करते हैं कि जो भी करता है भाई सही करता है तो जैसे ही स्विफ्ट करंट क्रॉस करेंगे आगे हवा 70 का गस्ट है इस हालातों में आप सोचो कि मैं वीडियो कैसे एडिट करता हूँ कहाँ मेरा टाइम लगता है वीडियो एडिट करने का बाकी यार लाइक जरूर किया करो और जो भी आपका दिल करता है कमेंट किया करो मेरे को मालूम है एक दो बंदों को छोड़ के हमसे प्यार करने वाले बंदे बहुत ज़्यादा हैं तो उससे ही मोटिवेशन मिलती रहती है और हमेशा चढ़ती कला में रहना है यार आपने सुबह देखा होगा मेरा बिहेवियर मेरा हिसाब किताब अगर मेरी ज़िंदगी इतनी ही लिखी है तो मैं चला जाऊँगा वो कोई इधर उधर नहीं कर सकता लेकिन जितनी लिखी है थोड़ा पेशेंस कभी कोई प्रॉब्लम पड़ जाती है ना ट्रकिंग में थोड़ा पेशेंस रख के चलना कोई बंदा पीछे से आ रहा है वो तेज जाने की कोशिश कर रहा है उसने आपको लाइटें मारी हैं तो आराम से अपने फ्लैशर लगाओ उसको एक बार लेफ्ट साइड वाला फ्लैशर लगा के बंद कर दो और अपनी स्पीड ब्रेक पे पैर रख लो उसको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये बंदा मेरे को रास्ता दे रहा है तो एक्स्ट्रा स्लो कर लो उसको साथ में से जाने दो कोई चक्कर नहीं है आप स्लो जाओ कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो जितनी देर तक सही सलामत ऊपर वाला रखेगा जितने दिन रखेगा हम इसी रोड के ऊपर चलते रहेंगे भाई क्योंकि हमारा कर्म है जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था हमारा काम है मेरा घर इसी से चलता है तो मैं तो ट्रक चलाऊंगा ही चलाऊंगा तो ठीक है भाई चढ़ती कला में हर मैदान फतेह 500 किलोमीटर निकाल लिया भाई बहुत बड़ा सफर कर लिया 12:30 हो गए थे वहां पर तो अभी बस विनीपेग यहाँ से 800 किलोमीटर है आज की रात होना है क्या तो क्या पाना क्या खोना भाई Can we get comfortable? I don't really like going out. It makes me uncomfortable. Comfortable, yeah.